बॉक्स प्लॉट हम लोग कल कर लिए थे, सो आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? इसके बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इज माई स्क्रीन विजिबल? बॉक्स प्लॉट बनता कैसे? वी लर्न दैट। हाँ बोलो अवनी, टेल मी। एक्सक्यूज मी मैम, आप एक बार बॉक्स प्लॉट कुछ एक्सप्लेन कर हाँ सकते हाँ हैं? मैं वही एक्सप्लेन करूँ। देखो बॉक्स प्लॉट में क्या होता है, सो बेसिकली इसमें वी कॉल दिस एज बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एज वेल। एंड तीन चार चीज़ें चाहिए, हम लोग मीडियन आज के क्लास में सीखेंगे कैसे निकलते हैं। लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आपको आपके डेटा का पता है, सो इफ़ यू हैव योर इंटायर डेटा यू नो द लोएस्ट वैल्यू, यू नो द हाईएस्ट वैल्यू एंड यू नो द मीडियन, सो यू कैन मेक अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसमें ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स हो गया हमारा एंड दिस इज द विस्कर, ये जो है जो एकदम एंड तक और लास्ट तक जा रहा है। अब यहाँ ये जो मीडियन है ये सबसे बीच का वैल्यू होता है हमारे पूरे डेटा का, जो हम लोग सीखेंगे आज कैसे निकालते हैं मीडियन। एंड उसमें ये हमारा लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल है, विच अगेन वी लर्न लेटर ऑन। सो दिस इंटायर थिंग टॉक्स अबाउट कि आपका डेटा, ये जो पूरा बॉक्स है, दिस इज़ द 50% ऑफ द डेटा सेट, बीच का 50% ऑफ द डेटा सेट। एंड ये आपका 1/4 ऑफ द डेटा है, स्टार्टिंग का 1/4 एंड ये है स्टार्ट लास्ट का 1/4, दैट्स इट। अभी आपको खाली इतना ही देखना है क्योंकि हमने अभी तक सीखा नहीं है हाउ टू डिराइव Q1, M, Q3, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है? दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू नो अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट विथ डेटा कंपैरिजन। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा गिवन है, हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना है? हाँ क्या हाईएस्ट और लोएस्ट है? जिसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हाईएस्ट है वो हाईएस्ट हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा वो बनावा ही वैसे है कि अच्छा इस वाले पीडीएफ में नहीं है, वो मेरे कल वाले पीडीएफ में था, आई थिंक इसमें है। ये वाला, इसमें ये, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा बोलो? इसका होगा, यही है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विथ, तो जिसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हाईएस्ट है तभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं इस तरीके से, ताकि अब इस ग्राफ से भी पता चल जाए कि जिसका जो सबसे टॉलेस्ट बार है उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? गॉट इट? बोलो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द डेटा कंपैरिजंस। अगर हमें दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा डेटा गिवन है तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, वील डू दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैन यू ऑल सी टाइप, आप लोगों को पीछे दिख रहा है स्क्रीन? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टाइप ए एंड टाइप बी, दो डेटा है, दोनों का ये क्या है, कौन सा प्लॉट है? स्टेम एंड लीफ है। अभी स्टेम एंड लीफ देख के क्या पता चल रहा है, लेट्स ओनली टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, ठीक है? लोकेशन मतलब कि जो हाईएस्ट आपको दिख रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वैल्यूज, वो टेंस में है और यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन थर्टीज में है। सो लोकेशन एज सच हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मोर डेटा इज लोकेटेड ओवर हियर एंड यहाँ पे मोर डेटा इज लोकेटेड इन द थर्टीज, ठीक है? कैन यू टॉक अबाउट द लोकेशन? लोकेशन इज समथिंग विच इज सिमिलर टू एवरेज, हम लोग एवरेज सीखेंगे आज की क्लास में, जहाँ आपके मोस्ट ऑफ द डेटा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है? सो वी कैन से एवरेज डेटा फॉर टाइप ए क्लेम इज समवेयर अराउंड 10 एंड एवरेज डेटा फॉर टाइप बी इज समवेयर अराउंड 30s। गॉट इट? सो दिस इज द लोकेशन दैट वी से।
लोकेशन के साथ आते हैं स्प्रेड, कितना आपका डेटा स्प्रेड आउट है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि वॉट इज द क्लेम अमाउंट दैट इज कमिंग इन, या नंबर ऑफ क्लेम्स कमिंग इन इन एन ईयर या इन अ मंथ इन अ डे वॉट एवर. तो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट ए का अगर फोकस करोगे, मोर डेटा इज ओवर हेयर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हेयर, तो लोकेशन अराउंड 5 आया. ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ बोल सकते हो? चलो मान लो समवेयर अराउंड 8, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे भी है, बट समवेयर अराउंड 8. बट यहाँ आपको क्या पता चल रहा है, काफ़ी डिस्पर्स्ड है, काफ़ी स्प्रेड आउट है एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट ए. ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वैल्यूज़ कितने डाइवर्स हैं, कितने स्प्रेड है, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आई हैव 100 स्टूडेंट्स, ऑन एवरेज इनका मार्क्स था 50, तो अराउंड 50 मिला. बट हम लोग देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को मिला है 10, किसी को 5, एंड समवेयर सम स्टूडेंट्स हैव गॉट 90, 95. सो काफ़ी स्प्रेड है. वेर एज अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा समवेयर अराउंड स्टूडेंट्स को मिला है 60s, एंड कुछ स्टूडेंट्स को हैव गॉट लाइक 50, 45, एंड समवन हैज़ गॉट 80, 85. सो स्प्रेड कम हो गया ना उसका. ठीक है, सो दैट्स द स्प्रेड ऑफ द डेटा, कि वो जो लोकेशन था आपका, इस लोकेशन से कितना स्प्रेड आउट है, उसके साइज में कितना ज़्यादा एलोंगेटेड है. गॉट इट? ये सब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग डराइव भी करते हैं. ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे, बट अभी आप लोग को बेसिक समझना है कि ये हो क्या रहा है. नाउ नेक्स्ट इज योर स्क्यूनेस. स्क्यूनेस इज जनरली हम लोग हिस्टोग्राम बना के भी समझते हैं. तो याद करो कल मैंने बोला था, जब मैंने हिस्टोग्राम बनाया था, कि ये ऐसे इसका शेप याद रखना, शेप ऐसा आ रहा है ना, ये मैंने ऐसे बताया था आप लोगों को. तो जनरली हम लोग शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं. जब हम लोग शेप चेक करते हैं तो हम लोग स्क्यूनेस बोलते हैं उसको. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस. फर्स्ट इज सिमेट्रिकल. ठीक है, आप लोग देखोगे जब आप लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ोगे, हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी पढ़ते हैं. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं सिमेट्रिकल डेटा होता है. मतलब कि क्या सिमेट्रिकल, आप लोकेशन देखो, ये इसका लोकेशन हुआ समवेयर ऑन इन द मिडल. इसका स्प्रेड देखो, क्या ये स्प्रेड इवन है ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड? इज इट इवन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड? टेल मी, इट्स इवन. सो व्हेन द स्प्रेड अराउंड द लोकेशन इज इवन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल. यहां पे ये आपका लोकेशन हुआ, मेजरली वैल्यूज आर समवेयर अराउंड हियर, एंड मोस्ट ऑफ द डेटा सेट आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लोकेशन. व्हेन मोस्ट ऑफ द डेटा आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लोकेशन, वी कॉल दिस एज पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड सिमिलरली व्हेन मोस्ट ऑफ द डेटा इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द लोकेशन, वी कॉल इट negatively skewed. That does not mean, अब देखो क्योंकि ये word negatively skewed है, बहुत initially students confused हो जाते हैं कि negatively आप skewed बोल रहे हो मतलब negative values होंगे. नहीं, I am not saying negative values है. What I am saying is आपके location के left में है most of the values. So that does not mean that it has negative values. ऐसा कोई नहीं है कि positively skewed का मतलब positive values होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. What I am only saying is मेरे location के left side में most of the values are concentrated. ठीक है, now can you quickly tell me, चलो इसी को use करके करते हैं. तो ये जो मैंने इधर बना रखा है box plot है. अब ये box plot देख के मेरे को तीन चीज़ बताओ. सबसे पहले तो मेरे को location बताओ क्या होगा. Then we talked about the spread and we talked about the skewness. तो तीनों चीज़, लोकेशन, पहले तो लोकेशन का बात करते हैं. ग्रुप ए का लोकेशन समवेयर अराउंड 5, 6, 7, ये हो गया 8, ये 7, ये 6, तो समवेयर अराउंड 8 के अराउंड है इसका लोकेशन. बिकॉज ये हमारा क्या था, मीडियन. जो लाइन था बॉक्स का वो मीडियन था, मिडिल मोस्ट वैल्यू जिसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे वो. एंड इसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो 7, तो कम है. सो लोकेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी. यस, यू कैन से दैट. व्हाट कैन यू से अबाउट द स्प्रेड? लोकेशन के सराउंडिंग में स्प्रेड आउट कहाँ ज्यादा है? बी में ज्यादा स्प्रेड आउट है. सो बी का स्प्रेड इज मोर देन ए का स्प्रेड, है ना. बिकॉज इसका देखो,
लोकेशन के सराउंडिंग्स में ज़्यादा वाइडन आउट नहीं है, ज़्यादा डाइवर्जन्स नहीं है, ठीक है, बट दिस इज़ मोर स्प्रेड आउट. नाउ कैन यू ऑल्सो टॉक अबाउट स्क्यूनेस? क्या शेप? ये हमें देख के सिमेट्रिकल लग रहा है. वाई? बिकॉज स्प्रेड अराउंड द लोकेशन इज इवन. बट ये अगर हम लोग देखें लोकेशन के राइट साइड में ज़्यादा वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया. अंडरस्टूड वाई अ बॉक्स प्लॉट इज यूज? क्लियर? क्लियर एवरीवन? इसको देख लो, इसको बना लो या लिख लो. हाँ, स्प्रेड में देखो ये लोकेशन हुआ ना, तो लोकेशन के राइट में और लेफ्ट में ये गैप अगर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसका स्प्रेड हम लोग बोलते हैं ज़्यादा है, ठीक है, बट इसका गैप ज़्यादा नहीं है. सो बी हैज़ अ लार्जर स्प्रेड कंसिडर्ड टू ए. स्प्रेड इज हाउ डाइवर्स या हाउ डिस्पर्स्ड योर वैल्यूज आर. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया मार्क्स का, 50 मिला है ऑन लोकेशन ऑन एवरेज, बट किसी का हम देख रहे हैं 5-10 ऐसा भी है, किसी का हम देख रहे हैं 90-95 भी है, तो काफ़ी ह्यूज स्प्रेड हो गया. बट एट द सेम टाइम हम लोग बोल रहे हैं कि एक जन का आपका स्प्रेड है, लोकेशन है समवेयर अराउंड लेट्स सपोज 60, बट उसका वैल्यूज आर रेंजिंग लेट्स सपोज बिटवीन 50 से 75, तो उसका स्प्रेड ज़्यादा नहीं है. हाउ डाइवर्स हाउ डिस्पर्स्ड द वैल्यूज आर, ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, अब हम लोग सैम्पल मीन निकालना स्टार्ट करेंगे. सो देर आर थ्री बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग स्टैटिस्टिकल मेजर्स निकालते हैं, विच इज़ मीन, मीडियन एंड मोड. वेरी बेसिक, फिर आपके बहुत सारे होते हैं, फिर हम लोग बाद में स्क्यूनस सीखेंगे, रेंज सीखेंगे, इंटरक्वार्टाइल क्वार्टाइल वैल्यूज सीखेंगे, परसेंटाइल वैल्यूज सीखेंगे, तो काफ़ी कुछ होता है. हम लोग सेकेंड ऑर्डर मोमेंट, थर्ड ऑर्डर मोमेंट अनलिमिटेड है, ठीक है, बट बेसिक तीन जिससे हमें एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए, समरी, क्विक समरी मिल जाए ऑफ अ डेटा, इज मीन, मीडियन, मोड. तो ये ऑब्वियसली आप किसी भी कैटेगोरिकल डेटा के लिए नहीं निकाल सकते हो, दिस इज ऑलवेज फॉर अ न्यूमेरिकल डेटा सेट. कैटेगोरिकल के लिए मेल फीमेल के लिए आप क्या निकालोगे, है ना? सो उसके लिए हम लोग काउंट्स निकालते हैं, हम लोग जब डिफरेंट समरी करेंगे तो हम लोग देखेंगे. बट टू जस्ट समराइज क्विकली एनी डेटा सेट, हम लोग ये तीन समरी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहला इज द मीन. मीन इज जनरली ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज, ठीक है. मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज. देखना ऐसे बहुत लोग एवरेज को बहुत डे टू डे लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ऑन एवरेज ये होगा, ऑन एवरेज ये होगा, तो इसको समझते हैं ये होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सैलरी ऑफ डिफरेंट पीपल इज गिवन टू यू, दीज आर इन लेट्स सपोज थाउजेंड्स. अब मेरे को निकालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं, तो मेरे को 7 लोगों का एवरेज सैलरी चाहिए. एक ऐसा टर्म, एक ऐसा नंबर जो इस पूरे डेटा को मेरे को समराइज कर दे, भाई 7 लोग हैं उनका सैलरीज दिया हुआ है. तो अगर मेरे से सपोज आप लोग क्या पूछते हो आफ्टर क्लियरिंग, वेरी कॉमन क्वेश्चन, आप लोग जब एक्चुअली स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या सोचते हो कि आफ्टर माई 3 ईयर और 4 ईयर ग्रेजुएशन, इफ़ आई हैव कंप्लीटेड 6-7 पेपर्स, ऑन एवरेज व्हाट विल आई अर्न? देखना कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा इतना ही अर्न करोगे, दे विल से ऑन एवरेज यू विल अर्न दिस मच, और दे विल गिव यू अ रेंज, यहाँ से यहाँ यू विल बी स्टार्टिंग विथ योर इंटर्नशिप और वॉट एवर, करेक्ट. तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज, जिसको हम लोग सेंटर
या सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं. यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 7. तो सबको हमने ऐड करा, ठीक है, मेरा आ रहा है वैल्यू 24.143. ऑब्वियसली ये थाउजेंड्स में होगा, सो सिंस ये सारे वैल्यूज थाउजेंड में थे तो मैंने लेट्स सपोज 1000 कॉमन कर दिया है बाहर में, तो इंटू 1000 है तो यहाँ पे भी इंटू 1000 हो जाएगा. इट्स इन थाउजेंड्स, वी आर वर्किंग इन थाउजेंड्स. तो ये जो एक वैल्यू है 24.143 इज समराइजिंग, आई एम सेइंग ऑन एवरेज दी 7 पीपल आर अर्निंग हाउ मच, 24. तुम कितना यर्न करेगा? पानी पियो, पता है ना योर्निंग इज कंटेजियस. तुम योर्न करेगा, मेरे को भी योर्न आएगा. 24.143 इज द एवरेज सैलरी विद दीज 7 पीपल आर अर्निंग. अंडरस्टूड? क्लियर? तो अब इसके ना कुछ डिफेक्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, यहीं से बताओ कुछ डिफेक्ट्स दिख रहे हैं. पहले तो अच्छा बताते हैं एडवांटेज क्या है इसका. एडवांटेज मैंने बोल दिया, एक सिंगल वैल्यू जो आपके पूरे डेटा को समराइज कर रहा है. अब लेट्स सपोज 1000 पीपल का सैलरी होता, ठीक है, आई हैव अ लिस्ट ऑफ 1000 एक्चुअल स्टूडेंट्स जिनका मेरे पास सैलरी है, मैंने आपको एवरेज निकाल के दे दिया. तो दिस इज द एवरेज सैलरी विच दीज 1000 एक्चुअल स्टूडेंट्स और एनी प्रोफेशनल्स आर अर्निंग. ये एक आपका समराइजिंग हो जाता है एक सिंगल. ऑल्सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज यूजिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स. ऐसा नहीं कि इसने बोला कि ये वाला नहीं यूज करेंगे, सारे डेटा पॉइंट्स यूज करके वैल्यू निकाल दिया. तो ये भी एक बेनिफिट है, ये भी एक अच्छा चीज़ है, एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका? क्यों नहीं कर सकते आप? एक्सेल में डालो, यूज करो. आर प्रोग्रामिंग में डालो, यूज करो. तो ये बोल रहे स्प्रेड भरा हुआ, ये अब दूसरे डायमेंशन में चले गए कि इससे खाली आपको एक एवरेज पता चल रहा है, बट एक हो सकता है यहाँ पे एक बंदा आ जाए वो 90 का अर्न कर रहा है सैलरी. तो अब यहाँ पे अगर करो एक बार प्लस 90/8 करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ करो, देखो कितना से चेंज हो रहा है. यू जस्ट नीड टू, कैसे करोगे फटाफट इस सबको ऐड, या फिर 24.143 × 7 + 90 / 8 कर लो. करो, 2 मिनट लगेगा. हाँ क्या आ रहा है? 32 आ रहा है. मैंने ऐसे रैंडमली 19 लिखा है, डोंट नो द आंसर. 32 पॉइंट. तो एक बार में देयर इज अ जंप ना फ्रॉम 24 to 32 बिकॉज ऑफ वन वैल्यू विच इज वेरी लार्ज. तो ये वो चीज हो गया कि हाँ जो आपके बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो काफी अफेक्ट कर सकते हैं आपके एवरेज को. ये एक है नेगेटिव. और सपोज आपका डिस्क्रीट डेटा होता, डू यू रिमेंबर डिस्क्रीट डेटा, ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है, बट आपका जो एवरेज है वो ऐसा पॉइंट्स में डेसिमल्स में आ जाएगा. सो इट डजेंट मेक एनी सेंस. इफ आई एम सेइंग क्लेम नंबर्स, कैन क्लेम नंबर्स बी इन कंटिन्यूस नंबर ऑफ क्लेम्स? ठीक है, लेट सपोज मैं आप लोग को देती हूँ इसका एवरेज निकालो. तो 3, 5, 7, 9, हाँ इसका एवरेज निकालो. है 6 आ गया क्या? रुको, लेट्स मेक दिस 4 ऐड करो. कितना आ रहा है? 5.6 आ रहा है. अब मैं बोलूंगी ऑन एवरेज देयर वर 5.6 क्लेम्स. इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट आंसर इज 5.6. दैट इज यू व्हाट यू हैव टू गिव. इसीलिए देखना जब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे बहुत जगह पे ऐसा थोड़ा वियर्ड सा नंबर रहता है जो सुनने में वियर्ड लगता है, अरे भाई एवरेज ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट ये है. सो इवन द इम्पॉसिबल वैल्यूज यू कैन गेट आंसर्स विच आर नॉट पॉसिबल इटसेल्फ. सो दिस नंबर इज नॉट पॉसिबल बट दिस इज द एवरेज. जैसे व्हेन माय ब्रदर वाज अपीयरिंग फॉर हिज कैट एग्जामिनेशन, तो उसने बोला ऑन एवरेज टू गेट इनटू एबीसी ऑन एवरेज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स टेक इज 2.5. कितना वियर्ड नहीं लगता सुनने में कि मतलब 2.5 अटेम्प्ट्स ऑन एवरेज स्टूडेंट्स को लगता है टू गेट इनटू टॉप 3? उसका क्या मीनिंग है कि भाई या तो कोई 2, 3 वैसे करके आप समझो, आप जैसे भी उसको इंटरप्रेट करो. क्लियर? सो ऐसा कुछ आ सकता है आंसर विच इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस डिसएडवांटेज, मीन स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्टेटिस्टिकल मेजर. गॉट इट? एनी डाउट? वेरी बेसिक? यस.
नेक्स्ट हम लोग, ये तो एक सिंपल डेटा का आपने मीन निकाला, इसका ये फॉर्मूला वैसे तो कुछ है नहीं, बट दिस साइन, ये साइन होता है समेशन का साइन। किसी ने पढ़ा है अपने क्लास 12 लेवल पे ऐसा? समेशन इसको बोलते हैं, एंड जनरली आप लोग ऐसे लिखते थे वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n वट एवर, है ना। तो समेशन एक्स, एक्स इज ऑल द डिफरेंट वैल्यूज, समिंग ओवर ऑल एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव, गॉट इट। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो ये फॉर्मूला, सैम्पल मीन। नाउ द वर्ड सैम्पल, डोंट फोकस ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड मीन। वॉट डू यू मीन बाय सैम्पल, वी लर्न। एंड एक्चुअल में सैम्पल मीन ये नहीं होता, माइनस वन करते हैं, बट सैम्पल का मतलब क्या है कि मैं आपको बोलती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एक्चुअरीज हैं, ठीक है। आई हैव अ डेटा ऑफ 100 पीपल, सो दिस इज अ सैम्पल विच आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटायर डेटा एंड द इंटायर पॉपुलेशन दैट आई हैव, है ना। एंड उनका सैलरी आई हैव, एंड उनका सैलरी का एवरेज आई एम टेकिंग आउट, सो दैट बिकम्स योर सैम्पल मीन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज फॉर अ सैम्पल डेटा सेट, नॉट फॉर द इंटायर डेटा। ऑल राइट, तो हम लोग सीखेंगे सैम्पल पॉपुलेशन आगे जाके, बट एक्चुअल में जस्ट रिमेंबर दिस टू बी मीन, नॉट सैम्पल मीन। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट सैम्पल मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो कल हमने क्या था, एक्स के वैल्यूज लिखा था, एफ लिखा था, फ्रीक्वेंसीज लिखे थे। सो फॉर एग्जाम्पल ये नंबर्स हैं, अब मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगी तो कैसा लगेगा, एक्स एंड एफ। तो कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। वन कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 1 2 3 4 5 6, बहुत ट्रस्ट इश्यूज है मेरे को, 1 2 3 4 5, 2। अब ये इसका हम लोग को निकालना है, ये जो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबको ऐड करोगे, ये 100 नंबर्स होते तो बैठ के ऐड करते, फिर डिवाइड बाय 100 करते, यहाँ पे सबको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 20। तो व्हाट इज द इजियर रूट, हम लोग देख रहे हैं 1 कितने बार आ रहा है, तो 3 into 1 कर दिया। 2 कितने बार आ रहे हैं, 4 into 2, 6 into 3, विच इज सिमिलर टू सेइंग कि हम लोग एक्स एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग एक्स मल्टीप्लाइड बाय, मैं ऐसे डॉट बना रही हूँ, एफ कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय 20, विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस एंटायर एफ कॉलम। सो समेशन ऑफ एफ, एंड यहाँ समेशन ऑफ एक्स डॉट एफ, यूजली हम लोग इसको एफ एक्स लिखते हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग एफ एक्स। अंडरस्टूड, क्लियर, एनी डाउट ऑन दिस? यू ऑल कैन डू दिस ऑन योर कैलकुलेटर्स। एक बार मेरे को एक कैलकुलेटर देना, तुम लोग शेयर कर लो। सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा केयरफुली सुनना, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाऊंगी। नहीं, तुम शेयर कर लो इसके साथ, तुम जाएगा फिर तुम आएगा। चलो तो सबसे पहले आप लोग को, तुम लोग सबने देखा है एक्सेल, ये सॉरी कैलकुलेटर का ट्यूटोरियल, बेसिक करना है, कुछ नहीं है इसमें। मैं तो कैलकुलेटर मुझे आता ही नहीं यूज़ करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। आई एम यूजिंग दिस, आई एम मतलब मैं हाथ में ले रही हूँ आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बिकॉज आई यूज़ एक्सेल, मतलब आर, मेरे को तो ये पता भी नहीं कि कैलकुलेटर में आजकल यूज़ भी करते हैं, बट करना पड़ेगा तुम लोग को। तो अभी क्या करेंगे देखो, इसमें जाएंगे मोड सेटअप, मोड सेटअप में 2 पे जाना, पहले मोड सेटअप पे क्लिक करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, मैं सर ने बोला स्टेप्स लिख लो, मैं बोली स्टेप्स क्यों लिखना है, इतना मेहनत नहीं है, सुन लो अच्छे से। 2 पे क्लिक करो, स्टार्ट मोड आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा स्मार्टली करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ तक आया, अच्छा रुको, स्टार्टिंग से ऑन पे प्रेस करो, मोड सेटअप पे क्लिक करना, मोड सेटअप के बाद 2 पे क्लिक करना, आया या आया, सबका ऐसे लिखा रहा होगा 1 2 3 4, 1 में आ रहा होगा 1 minus var, है ना, आसपास देख लो, हेल्प कर लो। अब इसमें क्योंकि वी हैव 2 कॉलम्स, वी हैव एक्स वैल्यूज एंड वी हैव एफ एक्स, तो इस पे ना आप लोग कर सकते हो 2 पे क्लिक, 2 पे क्लिक करो, 2 2 पे क्लिक करती एक्स एंड वाई आ गया। एक्स में लेट्स पुट इन ऑल द एक्स का वैल्यूज, सो देखो कैसे डालना है, सुनो। पहले यहाँ तक आ गए सब, एक बार थम्स अप दे दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गिव मी अ क्विक थम्स अप, ठीक है, वेरी गुड।
ये सारे वैल्यूज कैसे फीड करना है, सुनो, वन पे क्लिक करना है, फिर इक्वल टू, तो वो अपने आप नीचे चले जाएगा, फिर टू इक्वल टू थ्री फोर एंड फाइव, ऐसे करके इक्वल टू कर करके नीचे नीचे आ जाओ, ठीक है। अब वाई वैल्यूज के लिए राइट आरो, ये जो राइट वाला होता है ना ऊपर में, कंट्रोल अप डाउन राइट लेफ्ट, इस पर राइट पे क्लिक करो एंड ऊपर चले जाओ एकदम वाई के फर्स्ट वैल्यू पे, ठीक है, वाई के फर्स्ट वैल्यू पे चले जाओ एंड देन जस्ट अगेन फीड इन, थ्री इक्वल्स टू फोर इक्वल्स टू सिक्स फाइव एंड टू, तो ऐसे करके आपके सारे एक्स एंड वाई के वैल्यूज आ गए, मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एसी पे क्लिक करना है, एसी एसी पे करना है, एक बार सिंगल क्लिक, डेटा स्टोर हो गया, डोंट वरी, कुछ नहीं डिलीट हुआ है, और हो भी गया तो क्या हो गया यार, जिंदगी थोड़ी चला गया, तुम लोग ऐसे डर रहे, एसी पे क्लिक करो, ठीक है, उसके ऐसे डर रहे कि शिफ्ट पे क्लिक करना, शिफ्ट शिफ्ट पे करने, मेरे को डरा दिया एक बार, शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद वन, शिफ्ट वन, रुक जाओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार थम्स अप दे दो, सबका डेटा फीड हो गया तो ठीक है, रुक जाओ, उन लोग डर गया एक्चुअली, उन लोग अकेले बैठे हैं ना घर पे, तुम लोग इसे साथ में बैठे हो। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग को क्या लेना है सामना, तो इसके बाद शिफ्ट एसी पे क्लिक करने से जीरो आएगा, ऐसा नहीं कि डेटा चला गया, डेटा है, अब शिफ्ट पे क्लिक करके वन पे क्लिक करो, शिफ्ट वन, शिफ्ट वन पे क्लिक किया, नहीं शिफ्ट वन पे क्लिक करके आ गया ना, रुक जाओ, हाँ शिफ्ट वन पे क्लिक करके लेट्स क्लिक ऑन दिस थ्री, थ्री सम, आपने मैंने शायद टू पे क्लिक कर दिया, आप लोग इस पे क्लिक करो थ्री पे, क्या हुआ बोलो, आप लोग थ्री पे क्लिक करो, सम आया, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स एंड इन सबको एड करना है, सो हम लोग को बेसिकली समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई करना है, दिस इज द कॉलम वाई, तो आप लोग ये वाला सिलेक्ट करना नंबर फाइव, सो जस्ट क्लिक ऑन फाइव, या इक्वल टू दबाओ, क्या आ रहा है आंसर, सबका आया 59, सबका आया, अब रुक जाओ तुम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स घबराना मत, आ गया, एंड नाउ यू हैव टू नाउ यू हैव टू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई कॉलम, सो क्लिक ऑन डिवाइड, सीधा डिवाइड पे क्लिक करो तो ऊपर में लिखा रहा होगा आंसर डिविजन, आंसर में पता है क्या स्टोर हो गया, ये 59 आंसर में स्टोर हो गया, सो डिवाइड पे क्लिक किया, अब अगेन शिफ्ट वन, सम थ्री पे क्लिक करो, अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ वाई से डिवाइड, तो फोर पे क्लिक करो तो समेशन ऑफ वाई आ जाएगा एंड देन इक्वल टू, यू गेट योर आंसर एज 2.95, ठीक है। अब देखो इतना झमेला था, बट सेम इफ यू आर डूइंग इट ऑन एक्स एनी प्रोग्रामिंग टूल इट बिकम्स ईजियर, सो इसीलिए अभी कैलकुलेटर भी काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, लोग इसको भी बॉयकॉट ही कर दे रहे ऐसा लग रहा है, बट यू गाइज नीड टू नो हाउ टू डू इट इन कैलकुलेटर, मेरे एग्जाम्स क्लियर हैं आपके नहीं है, एक बार क्विकली येस कर दो सबका हो गया तो, किसका था ये, उसको दे दो, तो तुम उसको नया देगा फिर, ठीक है, नेक्स्ट लेट्स डू द नेक्स्ट थिंग, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, एक्स बार इज द साइन फॉर मीन और एवरेज, ठीक है, नेक्स्ट सैंपल मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कल हमने किया था इफ यू रिमेंबर 0 से 500 to 1000 है ना, अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल देवर क्लेम अमाउंट्स बिटवीन 0 to 500, देवर सिक्स क्लेम्स,
ऑफ 0 to 500, देर वर 49 क्लेम्स ऑफ 1000 to 1500. तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सो वील यूज द मिड पॉइंट मेथड. ठीक है, हम लोग हर एक, अच्छा मिड पॉइंट मेथड जब आप लोग यूज करते हैं, हम लोग एक बेसिक अजम्पशन यूज करते हैं. ये जो वर्ड है ना अजम्पशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बिकॉज इन योर इंटायर, वेन एवर यू स्टडी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, वी ऑलवेज मेक अजम्पशंस एंड वी ऑलवेज से आर मॉडल इज एज गुड एज द अजम्पशंस. अजम्पशंस अगर आपके कहीं से गलत हैं, मॉडल भी गलत है. बट अगर कोई एक इंसान आपको अजम्पशंस दे के मॉडल बना रहा है, तो आप उसके मॉडल को गलत नहीं बोल सकते, उसने तो वो अजम्पशन ही ले रखा है. एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज हैव अ न्यू मॉडल फॉर एवरीथिंग कमिंग अप, बिकॉज 10 अजम्पशंस में से अगर एक अजम्पशन भी चेंज होता है तो मॉडल चेंज है ना. तो आप अगर वो अजम्पशन चेंज करो, आपको मॉडल चेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड विच वील यूज लेटर ऑन इन द जर्नी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कि हर एक मॉडल जो हम बनाते हैं, तो ये भी जो हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे विल बी एज गुड एज द अजम्पशन दैट आई एम यूजिंग. इफ माई अजम्पशन इज नॉट ट्रू इन रियलिटी, माई आंसर इज नॉट करेक्ट इन रियलिटी. गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ देखो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लेम अमाउंट्स ले रहे हैं, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं. अब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग मिड पॉइंट मेथड यूज करेंगे. उसका मीनिंग ये है कि अगर मैं बोल रही हूँ 0 to 500 के बीच में, अगर हम बोल रहे हैं 6 क्लेम्स आए, तो ये जो 6 क्लेम्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन 0 to 500. सो यू डिवाइड 0 to 500 इन टू 6 बैंड्स एंड वी आर सेइंग कि हर एक बैंड से आपका एक क्लेम आया. गोइंग टू डीप, बट दिस इज द बेसिक नॉलेज, बेसिक अजम्पशन जो हम यूज करते हैं. तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो मिड पॉइंट के लिए वी विल सिंपली, देख लो ये मिड पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वी विल सिंपली जस्ट टेक द लोअर एंड द अपर वैल्यूज ऑफ द रेंज ऑफ द जो हमारा अमाउंट्स है, क्लासेस है, डिवाइडेड बाई 2. सो यू गेट द मिड पॉइंट, इट्स बेसिकली द एवरेज, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ एक हाई, लोएस्ट वैल्यू है आपका 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू है आपका 500, दो ही वैल्यू है, इसका बीच का वैल्यू निकालो, एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे? 0 + 500 / 2, यू विल गेट द मिड पॉइंट. ठीक है, सो मिड पॉइंट आ गया, देख लो 0 + 500 / 2 मिड पॉइंट, एंड यू डिवाइड दैट, मल्टीप्लाई दैट मिड पॉइंट विद fx, विच इज वॉट 6. अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है, सो एक बार आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आ गया. सिमिलरली यू विल डू फॉर ऑल. तो सबका मिड पॉइंट्स बताना. इसका 250 है, बाकी 750, अब देखो ये 2000 + 5000 / 2 है, 3500 इज द मिड पॉइंट. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ से एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ करेंगे टू गेट योर एवरेज. देख लो वही किया, लास्ट वाला वैल्यू इज 3500 × 8 डिवाइडेड बाय ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच इज समेशन ऑफ एफ एंड यू गेट द आंसर एज 1445. नाउ दिस 1445 इज इन विच, दिस बैंड. ठीक है, तो एवरेज फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर बैंड विच इज एक्चुअली द मिडल बैंड. ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता मिडिल बैंड से, बट ठीक है वो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के समझेंगे. बट इज दिस क्लियर? अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होता है तो कैसे मीन निकालते हैं? क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ऑल राइट, नेक्स्ट तुम लोग जिन लोग लिख रहे हो उन लोग लिख लो, बेसिक फंक्शंस अगर फॉर्मूलाज कॉपी कर रहे हो तो. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, चलो तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. एडवांटेज ऑफ मीन इज दैट वी यूज ऑल द डेटा पॉइंट्स,
वेरी सिंपल. डिसएडवांटेज इज कैन गिव इम्पॉसिबल फिगर्स. जो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज के केस में 5.6 क्लेम्स आ रहा था, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट गिव्स यू इम्पॉसिबल वैल्यूज एज वेल. एंड अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे हमने वो प्लस 90 ऐड किया था सैलरी में, तो 24 से 32 हो गया था, राइट? सो एक्चुअल में अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा वो डेटा हमारा अफेक्ट हो जाता है. इन रियलिटी वेन वी एनालाइज द डेटा, वी रिमूव द एक्सट्रीम वैल्यूज इफ़ देर आर एनी वन ऑफ इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे देर वॉज अ वन ऑफ इवेंट की बहुत ज़्यादा शेयर प्राइसेस फेल, तो हम वो पूरा कोविड वाला सिचुएशन एक दो महीने को हटा देंगे अपने डेटा से, एंड देन वील डू द एनालिसिस. बिकॉज दीज एक्सट्रीम वैल्यूज आर वेरी अनसर्टन, इट माइट हैपन 100 ईयर्स में एक बार, तो क्यों अपने एवरेज को खराब करें, क्यों उस वो कंसिडर करेंगे. सो वी रिमूव इट एंड देन वी कैलकुलेट द एवरेज. लाइक दिस इज द प्रैक्टिकली वॉट वी डू वेन वी डील विद लॉट्स ऑफ डेटा. सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोड. मोड इज बेसिकली आपका हाईएस्ट, किस वैल्यू का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू, एक टेली मार्केटिंग कंपनी है. टेली मार्केटिंग कंपनी मतलब आपको कॉल आता होगा ना कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, ऐसे आपके पास कॉल आता होगा, तो आप लोग बोलते होगे कि मेरे पास तो एक्सिस बैंक में अकाउंट ही नहीं है, कहाँ से आप लोग कॉल कर रहे हो. सो दे गेट ह्यूज नंबर्स एंड एवरीथिंग. तो फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है, या उल्टा ले लो, कस्टमर केयर में कॉल करते हो ना आप लोग, तो ऑन हम लोग को देखना है डेली कितने कॉल्स आ रहे हैं, विच डे ऑफ द वीक वी रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स. जिस डे पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स हैं उस दिन हमें ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स चाहिएंगे. लेट्स से सपोज संडेज को, संडेज को आप फ्री होते हो ना, तो आप सबसे ज़्यादा कस्टमर केयर में कॉल करोगे. सो आई नीड द ऑल द 7 days ऑफ द वीक में से कौन सा डे ऑफ द वीक है विच विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स. गॉट इट? दैट इज मोड. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से डेटा पॉइंट का है, दैट इज योर मोड. ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगेन आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल. ये हमारा डेटा है, इसमें देखो 18 कितना बार आ रहा है, 1, 21, 1, 25 4 times एंड 31. तो 25 4 times आया, तो हमारा मोड इज सिंपली 25. एंड सिंस यू वर्किंग इन थाउजेंड्स, 25,000 इज द मोडल वैल्यू भी बोलते हैं, या मोड भी बोलते हैं, या अ डेटा पॉइंट विथ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्लियर? देख लो नेक्स्ट. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर टेबल है तो कैसे निकालेंगे? सेम है, देख लो, जो डेटा था ना हमारा, सेम डेटा है, एक्स एंड एफ. ये टेबल हॉरिजॉन्टली है, सो आई एम जस्ट अगेन मेकिंग इट दिस वे. 1 कितने बार आ रहा था, 3, 4, 6. तो अगेन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से वैल्यू का दिख रहा है, 3 का. सो माई मोड इज 3. बहुत लोग होते हैं हड़बड़ में 6 लिख के आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग, डजेंट मेक एनी सेंस. मैं बोल रही हूँ 3 का जो वैल्यू है वो 6 times आ रहा है. होता है आप इन अ हेस्ट यू जस्ट राइट 6 एज द आंसर एंड यू लीव, बट एक्चुअल में आंसर इज यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्स वैल्यूज, राइट? तो ये बहुत ईजी आपको समझ में आता है इससे, रादर देन इतना ऐसे डेटा लिखा हुआ रहेगा आप ढूंढोगे के करके काउंट करोगे. सो इफ़ यू हैव इट इन दिस फॉर्मैट, इफ़ योर डेटा इज इन दिस फॉर्मैट, यू कैन जस्ट क्विकली फाइंड आउट कि हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से वैल्यू का है, एंड दैट बिकम्स द आंसर. गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? सिंपल, मोड इज क्लियर. एक बार थम्स अप दे दो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप दे दो. नेक्स्ट इज सैम्पल मोड फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी. अगेन सेम थिंग व्हाट वी डिड फॉर मीन. हमारा यहाँ पे अगर ग्रुप्स बना हुए हैं, लेट्स सपोज 40 से 49, 50 से 59, दीज आर द डिफरेंट एजेस ऑफ आर कस्टमर्स. एंड एक कस्टमर है जो 40 से 49 के बीच में, 5 कस्टमर्स हैं जो 60 से 69 के बीच में. सो हाइएस्ट कहाँ आ रहा है फ्रीक्वेंसी? 10 में आ रहा है. 10 इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द ऑल एज ग्रुप्स. सो माई कस्टमर बेस हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 70 to 79.
अब अगेन मोड कैसे बताएंगे इसमें, ये तो मॉडल क्लास हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मॉडल क्लास या फिर मॉडल ग्रुप इज 70 to 79। यहाँ हम लोग कुछ भी मिड पॉइंट नहीं निकालते, नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन जस्ट से दैट द मॉडल ग्रुप और द मॉडल क्लास इज 70 to 79। दिस एज बैंड हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स। क्लियर? अंडरस्टूड एनी डाउट? ठीक है, देख लो, वेरी सिंपल मोड इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, कुछ नहीं करना होता, खाली देखना होता है इसमें। सो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, बिना देखे क्या समझ में आ रहे हैं? एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होगा? मैंने अभी बोला वेरी सिंपल, ईजी टू कैलकुलेट, वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एंड अ डेटा विल बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर। जैसे उसमें 5.6 आ रहा था मीन में, यहाँ पे यू कैन नॉट गेट एनी डेटा एज सच, जो आपका डेटा का पार्ट होगा आंसर वही आएगा, उसी में से कोई एक आंसर आएगा, है ना। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका? यूजिबिलिटी उतना ग्रेट नहीं है, मतलब ठीक है मोड है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बट यूजिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है। व्हाट एल्स? इसमें आप सारे डेटा पॉइंट्स नहीं कंसिडर कर रहे हो। अगर आप एक बोल रहे हो कि मेरा मॉडल क्लास इज 70 to 79, खाली ये बोलने से क्या समझ में आएगा मेरे को कि लोएस्ट क्या था इनका एज ग्रुप, हाईएस्ट एज ग्रुप क्या था? तो इट इज़ नॉट कंसिडरिंग द इंटायर डेटा, इट इज़ जस्ट लुकिंग द फ्रीक्वेंसी एंड गिविंग यू द आउटपुट, बट इट इज़ नॉट कंसिडरिंग द इंटायर डेटा सेट। दिस इज अगेन वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, राइट? सो एंड समटाइम्स माइट सो हैपन कि आपके आंसर्स स्पेसिफिक ना हो, आपके आंसर्स हो सकते हैं थोड़े वियर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सपोज एक डेटा देती हूँ, अब इसमें 5 डेटा पॉइंट है, इसका मोड क्या होगा? 3 भी 2 टाइम्स आ रहे हैं, 4 भी 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो अब आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे? मोड क्या है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यूनिक आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? यू डोंट गेट अ यूनिक आंसर, दैट्स इट। दोज आर द डिसएडवांटेजेस, देख लो। सो ईजी टू कैलकुलेट, अनअफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस वॉज ऑल्सो एन एडवांटेज कि अगर मैं एक एक्सट्रीम वैल्यू डाल भी दूँ तो उससे मेरा मॉडल क्लास अफेक्ट नहीं होने वाला है। एक वन ऑफ इवेंट जो एक ही बार हुआ है, दो बार हुआ है, बहुत कम बार हुआ है, उससे मॉडल क्लास नहीं अफेक्ट होगा, दैट विल स्टिल रिमेन द हाइएस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एक 109 के ऊपर और क्या ही डाल सकते हैं, इधर डाल देते हैं, 10 से 20 के बीच में एक एज ग्रुप है एंड वो ऐसे 2 लोग हैं उसमें, तो इससे ये आपका अफेक्ट हुआ आंसर। सो एक्सट्रीम वैल्यू से जैसे आपका मीन अफेक्ट होता था, मोड अफेक्ट नहीं होगा। इट मे नॉट एग्जिस्ट, इट मे नॉट बी यूनिक, जैसे हमने अभी बोला, एंड मे नॉट एग्जिस्ट भी एक ही बात है, 2 मोड्स आ रहे हैं तो एक सिंगल मोड तो नहीं मिल रहा ना। उसके बाद डज नॉट यूज ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड कैन नॉट बी यूज इन फर्दर कैलकुलेशन, इसका कोई यूजिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मीडियन, लास्ट जो हम लोग समरी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, विच इज द मीडियन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? मीडियन मीन्स द मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही लेम हो जाएगा, बट 4 फ्रेंड्स, मान लो 3 फ्रेंड्स हैं ऐसे, ये उनका हाइट बनाया मैंने, ठीक है? अब बताओ इसमें से मीडियन कौन सा है? आप बोलोगे ये मीडियन है क्योंकि ये बीच में खड़ा है, बट ये गलत है। मीडियन आप ऐसे रैंडमली, अगर इसको आप पहले खड़ा कर देते, बीच में खड़ा कर देते, तो वो मीडियन बन जाता, बट वो तो गलत चीज़ हो जाएगा ना। जिसको भी आप बीच में खड़ा करोगे वो मीडियन बन जाएगा, बट एक्चुअल में क्या देखते हैं हम? हम उसको अरेंज करते हैं अपने डेटा को। यू कैन आइदर अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और यू कैन अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड फिर जो आपके मिडिल में खड़ा है वो आपका मीडियन है। तो यहाँ अगर इसको फर्स्ट में खड़ा करेंगे, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, तो ये वाला मिडिल मोस्ट हो जाएगा। आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट में खड़ा करोगे तो बीच वाला जो है वो मीडियन हो जाएगा। सो इसीलिए यू ऑलवेज, बिकॉज
योर मीडियन एक्चुअली डिपेंड्स हाउ यू हैव अरेंज द डेटा. सो यू ऑलवेज वी फॉलो कि वी अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, लोएस्ट टू हाइएस्ट. आई हैव 10 स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर वन एग्जामिनेशन, उनको मार्क्स मिल गया, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज करूंगी, फिर मैं बताऊंगी मिडिल मोस्ट आपका क्या मार्क्स था, दैट्स योर मीडियन. ठीक है, सो अगेन यू हैव दीज वैल्यूज, लेट अस सपोज. तो अब यहाँ ऑब्वियसली आप बोलोगे 2 इज द मीडियन, नहीं, यू नीड टू फर्स्ट अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 2, 4, 7, 9, 9. एंड इनमें से मिडिल में देखो ये हमारा वैल्यू है, इस तरफ में 2 वैल्यूज हैं, इस तरफ में देर आर 2 वैल्यूज. सो मिडिल, सबसे मिडिल में कौन सा वैल्यू हो गया? 7. एंड दैट बिकम्स योर मीडियन. ठीक है, सो योर मीडियन बिकम्स 7 इन दिस केस. गॉट इट? नाउ लेट्स से सपोज अगर मैं बोलती कि हमारे डेटा में यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप बीच का निकाल सकते हो, ऑड वन आउट, इस तरफ में इवन नंबर्स, इस तरफ में इवन नंबर्स. बट अगर मैं बोलूँ आपके इवन डेटा पॉइंट्स हैं, ये डेटा गिवन है, दिख रहा है? पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, ये वाला है लेट्स सपोज, तो इसमें 6 नंबर्स हैं, ये अगेन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. तो पहले इसको अरेंज किया हमने, अरेंज किया 3, 5, 6, 9, 11, 12, ये हमने ऐसे अरेंज कर दिया. अब मीडियन कहाँ होना चाहिए? समवेयर यहाँ पे होना चाहिए मीडियन, इस तरफ में होना चाहिए मीडियन, इस तरफ में 3 वैल्यूज, इस तरफ में 3 वैल्यूज, बट देर इज नो वैल्यू इन द मिडिल, कैसे निकालेंगे? तो हम जो 2 इसके लेफ्ट एंड राइट में है, मतलब ये 2 वैल्यूज जो हैं, इसका एवरेज ले लेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज 2 वैल्यू का कैसे लेते हैं? 6 प्लस 9 बाई 2, 2 वैल्यूज हैं, तो 6 प्लस 9 बाई 2 इज 7.5. सो वी विल से दैट द मीडियन फॉर दिस डेटा सेट इज अगेन लाइक एवरेज. एक ऐसा वैल्यू आपको मिल सकता है विच इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योर डेटा. गॉट इट? जस्ट लाइक मीन हमने निकाला था ना, 5.6 आ रहा था, 24 point something आ रहा था. सो एनी डेटा पॉइंट, योर आंसर कैन बी एनी थिंग विच इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा. बट सिंस यू हैव इवन नंबर्स, तो हम मिडिल मोस्ट कैसे निकालेंगे? आप 6 जनों को खड़ा कर दोगे, तो आप बीच का कौन है? उधर, क्योंकि इधर 3, इधर 3. सो यू नीड टू टेक आउट द एवरेज. ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी टेक आउट द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 पीपल, बीच के 2 पीपल. ठीक है, गॉट इट? सो वी फॉलो अ बेसिक थंब रूल, क्या होता है हमारा, हम 9 plus n plus 1 by 2th वैल्यू जो है, n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, सो n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू को कंसिडर करते हैं एज योर मीडियन. एक बार फिर से बैक कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे कितने वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं इस वाले डेटा में, तो आपका कौन सा वैल्यू हो गया? 5 plus 1 by 2, कितना आया? थर्ड वैल्यू हो गया. थर्ड वैल्यू कौन सा हो गया? तो ये आपका मीडियन है. सिमिलरली यहाँ पे 6 है, तो 6 plus 1 by 2 कितना होता है? 3.5th वैल्यू, विच इज नथिंग, विच इज दिस. सो देन यू कैलकुलेट थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू का एवरेज. दैट्स हाउ वी कैलकुलेट अ मीडियन. गॉट इट? इसको थोड़ा लिख लो, डिस्क्राइब कर लो. एन प्लस 1 by 2 इसको लिख लो मीडियन में. ठीक है, तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है? दिस इज सूटेबल फॉर बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स. नाउ इफ यू हैव अगेन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ऐसा कुछ XFX,
तो ये मैंने हॉरिजॉन्टली बना रखा है यहाँ पे, ये मेरे एक्स के वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, सेम डेटा जो हमने ऊपर यूज़ किया था. एफ इज़ 3 4 6 5 2. सो जो मैंने वर्टिकली बनाया था इधर हॉरिजॉन्टली है. तो सबसे पहले अगर हम ये सी एफ वाला कॉलम भूल जाए, रो भूल जाए, ये कितना आ रहा है टोटल? 20 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे, 20 डेटा पॉइंट्स है. एंड एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आप 1 2 3 4 5 अरेंज कर रहे हो, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ऐसा नहीं कि आप पहले 2 लिख रहे हो, फिर आप 3 लिख रहे हो, फिर आप 6 लिख रहे हो. दैट विल वर्क इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग मोड. वी आर जस्ट चेकिंग द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. दैट विल वर्क इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग मीन. बट इन केस ऑफ मीडियन, यू आर ऑलवेज अरेंजिंग योर डेटा. मेक श्योर फर्स्ट थिंग वेन वी कैलकुलेट मीडियन इज वॉट वी डू इज अरेंज द डेटा. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वी नीड टू ऑलवेज अरेंज द डेटा बिफोर वी कैलकुलेट. सॉर्टिंग बोल दो, अरेंजिंग बोल दो, वट एवर, वी ऑलवेज हैव टू डू दिस. वेन अभी लग रहा है बहुत बेसिक है, क्यों मैम बार बार बोल रही है, बट दिस इज समथिंग आई आई हैव सीन स्टूडेंट्स. जब आपको एक डेटा मिलता है तो आप स्ट्रेट अवे उसका मीडियन निकालने बैठ जाते हो, वैसा नहीं होता. देयर इज अ प्रोसेस, यू नीड टू अरेंज एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द मीडियन. तो यहाँ पे भी आई हैव अरेंज 1 2 3 4 5, ऐसा करके अरेंज किया हमने, एंड देन उसका फ्रीक्वेंसीज हमारे को दिया हुआ है. तो 20 है. सो 20 प्लस 1/2 कितना आता है? 0.5, 10.5. सो 10.5th वैल्यू शुड बी द मीडियन. अब यहाँ समझो 10.5 कैसे निकालेंगे, इसमें कितने हैं? 3 वैल्यूज हैं. इसमें कितने हैं? तो यहाँ तक कितने वैल्यूज आ गए? 7, जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कल निकाल रहे थे. तो यहाँ तक 7 वैल्यूज आ गए. फिर इस पे कितने हैं? 6 वैल्यूज हैं 3 के. तो 7 + 6 कितना हो गया? ये सी एफ वाला समझ आ रहा है रो जो हमने कल किया था, है ना? ऐड करते जाते हो आप खाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो आप क्या बोल रहे हो, 7 तक सारे वैल्यूज यहाँ थे, 7 के बाद जितने वैल्यूज हैं टिल 13th वैल्यू इज 3. सो 10.5 जो होगा आपका, वो भी आपका कहाँ आना चाहिए, कहाँ लाए करना चाहिए? इस वाले में लाए करना चाहिए. जो आपका 10.5th वैल्यू है वो 7 तक तो नहीं लाए कर रहा ना, 7 के बाद है. सो वैल्यू नंबर 8 9 10 11 12 13, ये सारे वैल्यूज आपके इसमें हैं, इस बॉक्स में 3 है. तो 10.5 मतलब क्या हुआ, आप 10th एंड 11th वैल्यू का एवरेज लोगे. व्हाट इज योर 10th वैल्यू? 3. व्हाट इज योर 11th वैल्यू? 3. 3 + 3/2 इज 3. सो योर आंसर इज 3. गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है. दिस मे नॉट ऑलवेज हैपन कि आपका ये 10.5 जो एग्जैक्टली इधर आएगा. हो सकता है कि 10.5 इन दोनों के बीच में, मतलब 10th वैल्यू 3 है एंड 11th वैल्यू 4 है, हो सकता है वो चीज़ भी. तो इसीलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. 7 तक 10 नहीं आ रहा, 13 के अंदर 10 आ गया. सो 7 के बाद 8th 9th 10th 11th 12th 13th वैल्यू, ये सारे वैल्यूज 3 हैं. सो ऑब्वियसली 10th एंड 11th वैल्यू 3 है, उसका हमने एवरेज लिया. अंडरस्टूड? एनी डाउट? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही क्या देख लो. थ्री आ रहा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल था. नेक्स्ट ऑब्वियसली ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल करेंगे. ओहो, सैम्पल मीडियन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये सेम फ्रीक्वेंसी टेबल जो अभी हमने बनाया था, कितने वैल्यूज हैं इसमें टोटल करो, फ्रीक्वेंसी टेबल को 100 है. सो जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना, खाली लिख लो आप लोग एक्सेप्शन. मीडियन में काफ़ी एक्सेप्शन एंड मीडियन इज एक्चुअली अ लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. मोड एंड एवरेज मीन इज स्टिल इजियर, बट मीडियन
इस समथिंग आगे देखोगे जब हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं ना यूज, तो उसमें भी आपका मीडियन सबसे डिफिकल्ट होता है टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे हम लोग 100/2 लेंगे. व्हेन यू आर डीलिंग, लिख लेना, व्हेन यू आर डीलिंग विद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, वी टेक मीडियन एज द मीडियन एज द 100 n/2, सॉरी n/2th वैल्यू, n/2th वैल्यू. ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग हमेशा n/2th वैल्यू लेते हैं. तो यहाँ पे आपका n/2 कैसे आ रहा है देखो, 100 है मतलब 100/2 इज 50. अब 50 किधर आ रहे हैं, इधर 6 वैल्यूज हैं, इधर 11 है, तो इधर तक कितने हो गए 17. इधर 49 वैल्यूज हैं, तो 17 + 49 गिव्स यू 66. तो 17 तक वैल्यूज यहाँ थे, 17 के बाद से मतलब 18 ऑनवर्ड्स, 18, 19, 20, सो ऑन अप टिल 66th वैल्यू, ऑल आर इन दिस बैंड. सो योर 50th वैल्यू विल ऑल्सो बी इन दिस बैंड. सो योर मीडियन वाला बैंड इज दिस, बट अगेन मीडियन शुड बी ऑलवेज अ सिंगल नंबर, है ना. आप ये नहीं बोल सकते मीडियन इज 1000 to 1500, तो मीडियन नीड्स टू ऑलवेज बी अ सिंगल नंबर. कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना. हम लोग बोल रहे हैं इस क्लास में देर आर हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज इन दिस क्लास, 49 वैल्यूज इन दिस क्लास. यस, नाउ देर वॉज एन अजम्पशन व्हेन आई वॉज कैलकुलेटिंग मीडियन, हमने मीन हमने बोला था ऑल द वैल्यूज आर इक्वली स्प्रेड, मतलब ऑल दीज 49 वैल्यूज आर इक्वली, और द वर्ड वी से इज लीनियरली स्प्रेड इन दिस क्लास, 1000 to 1500. ठीक है, तो 49 वैल्यूज लीनियरली स्प्रेड. लीनियरली स्प्रेड का मतलब मैं बहुत ईजीली समझाती हूँ, जो शायद आप लोग को जिंदगी भर याद रहेगा. मैं बोलती हूँ एक साल में 12 क्लेम्स आ रहे हैं, एक साल में देर आर 12 क्लेम्स कमिंग इन. व्हेन आई एम सेइंग इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट आई मीन इज हर मंथ एक एक क्लेम आया है. ठीक है, व्हेन आई एम मेकिंग एन अजम्पशन दैट दीज वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड और इवनली स्प्रेड और लीनियरली स्प्रेड, व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग, व्हाट आई एम एक्चुअली अज्यूमिंग इज हर मंथ एक एक क्लेम आया, तब जाके 12 मंथ्स में आपके 12 क्लेम्स हैं. अगर मैं बोल रही हूँ 12 मंथ्स में 24 क्लेम्स हैं, तो हर मंथ कितने आए हैं, 2 क्लेम आए. ऑल्दो रियलिटी में कुछ और हो सकता है, हो सकता है रियलिटी में आपके दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इन मंथ्स में सबसे ज़्यादा क्लेम्स आए हैं, हो सकता है फेब में कोई क्लेम नहीं आया, ये हो सकता है. दिस वेरिएबिलिटी इज देयर इन द डेटा, बट जस्ट टू मेक योर लाइफ ईजी वी मेक अजम्पशंस, एंड वॉट इज एन अजम्पशन, लीनियरली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली स्प्रेड. गॉट इट. वेन तो लीन अभी से डन, अभी कभी भी कोई बोले ना लीनियरली स्प्रेड, इवनली स्प्रेड. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई सेल्स आर इवनली स्प्रेड अक्रॉस द ईयर, मीनिंग हर दिन अप्रॉक्सीमेटली उतना ही सेल हो रहा है या हर वीक उतना ही सेल हो रहा है, बट एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि कुछ मंथ्स में ज़्यादा हैं, एयर कंडीशनर्स सेल आउट मोर ड्यूरिंग समर मंथ्स. तो वो जब आप एवरेज या जब आप लीनियरली एक अजम्पशन बना रहे हो, तो आप ये वाला अजम्पशन यूज करते हो. सो सिमिलर केस यहाँ है, यू हैव वैल्यूज फ्रॉम 1000 to 1500. हाउ मेनी वैल्यूज, 49. दीज 49 वैल्यूज आर इवनली स्प्रेड इन 1000 to 1500. अंडरस्टूड. तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करें, हम लोग को एक फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. सपोज मैं जब बोलती हूँ 1 2 3 4 5, चलो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स में 6 क्लेम आए, है ना, 6 मंथ्स में 6 क्लेम आए, मतलब हर मंथ में एक एक क्लेम आया. तो अब आप लोग एवरेज कैसे, आप लोग एक फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हो, 1/6 क्लेम्स आए, मतलब 1/6 हो गया ना इसका फ्रैक्शन. तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा फ्रैक्शन सा निकालना पड़ेगा हमें टू कैलकुलेट द मीडियन. अब हमें पता है कि हमारा मीडियन वैल्यू द नंबर इज 50th वैल्यू, 50th में से 17 वैल्यूज तो इन दोनों क्लास में चले गए, है ना. तो कितना बचा, 50 - 17,
33, तो 33 वैल्यूज इसमें से, मतलब अब जब आप बोल रहे हो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, ये बीच से काट रहा है आपको मीडियन, है ना, ये आपका 50 है, ये आपका 50th वैल्यू है, गॉट इट। अब ये जो क्लास है 1000 से 1500, वो लेट्स सपोज इधर लाई कर रहा है, 1000 से 1500 वाला क्लास वो इधर लाई कर रहा है, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए। तो हमें इस, ये मैंने बीच में नहीं बनाया, ये जो बार है मेरे, जो लाइन है वो इस बॉक्स के बीच में नहीं बनाया मैंने, तो मेरे को इस बॉक्स का ये लाइन वाला वैल्यू निकालना है। समझ रहे हो ना क्या हम कर रहे हैं? यहां तक कितने वैल्यूज थे? 17 बॉक्स के पहले तक, तो यहां कितने वैल्यूज हैं? 33 वैल्यूज होंगे ना, तब जाके तो उधर तक 50 वैल्यूज आए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? एक बार थम्स अप दे दो, बिकॉज इसके बाद मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये बना लेना, क्योंकि ये मेरे नोट्स में नहीं है ये सब चीज़, ये मैं खाली समझा रही हूँ। अब यहाँ तक आपको पता है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे समझना। दिस इज अ मेथड विच इज नोन एज लीनियर इंटरपोलेशन, विच वील बी लर्निंग इन डिटेल्स, बट इसको यहीं पे कर देते हैं। तो ये वाला वैल्यू के लिए, ये जो हमारा वैल्यू है कितना था, 1000, ये हमारा 1000 है, ये 50th वैल्यू है, एंड ये हमारा कितना है, 1500, ये हमारा, ये भूल जाओ, ये 1500 है। आपको क्या पता है, ये 33 है, ये 50th वैल्यू निकालना है, ये 1500 है, ये, और ये कौन सा वैल्यू है बताओगे? तो यहाँ कितने वैल्यूज हैं? हाँ, 16 कैसे आ रहे हैं, 49 माइनस 33, ये सब क्लियर है ना, ये सब चीजें क्लियर है। तो ये मेरे को अगर ये फ्रैक्शन पता चल जाए कि ये जो फ्रैक्शन, ये क्या फ्रैक्शन है, इज इट 33 बाय 49? बिकॉज इफ आई एम सेइंग, बिकॉज इफ आई एम सेइंग ये जो पूरा है ये 49 है, ये आपका 33 है, तो फ्रैक्शन कैसे निकला, 33 बाय 49, है ना? तो इस पूरे ग्रुप का 33 बाय 49 वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1000 प्लस 33 बाय 49 इंटू 1500 बाय माइनस 1000। ये क्या है? ये विथ है ऑफ द बार विच इज 500। तो ये जो पूरा 500 वैल्यूज, ध्यान से सुनना, ये जो पूरा 500 वैल्यूज है, हमने क्या अजम्पशन लिया, इवनली स्प्रेड या लीनियरली स्प्रेड। तो ये जो पूरा 500 वैल्यूज है, अगर ये मेरे 49 वैल्यूज ये 500 अमाउंट्स की इवनली स्प्रेड हैं, तो मेरे को वो 500 वैल्यू, वो जो 500 है उसका मुझे 33 बाई 49 प्रपोर्शन वैल्यू चाहिए, प्लस 1000। क्यों करें? क्योंकि ये तो आपने गैप लिया ना, ये 1000 के बाद आएगा, ये वाला पार्ट का आंसर क्या आ रहा है वो बताना। 33 6.7346 ना, सो 73 ले रही हूँ मैं खाली एक बार के लिए। तो ये प्लस 1000, क्योंकि ये तो आपका वो 500 में से हुआ ना जो विथ है, प्लस यू नीड टू डू दिस, तब जाके आपका ये वाला वैल्यू यहाँ पे खड़ा होगा, 1336.73 इज एक्चुअली योर मीडियन। गॉट इट? कैसे निकलेगा? अंडरस्टूड? क्लियर? इसका एक और इजी मेथड बताती हूँ, बट एक बार ये गो थ्रू करो। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा समझाया हुआ है 33, बट मैंने जो ओरली समझाया ये वैसे नहीं है, ये आ रहा है। फिर रेंज ऑफ वैल्यूज आपका 500 था, यू जस्ट नीड टू ऐड सो यू गेट द आंसर। ये लिखा हुआ है, बट मैं आप लोग को लीनियर इंटरपोलेशन करके दिखाऊंगी। एन बाई टू
क्लियर, एन बाई टू एथ वैल्यू हमेशा लेते हैं, वी डोंट टेक एन प्लस वन. हम लोग जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल का मीडियन निकालते हैं तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, एन बाई टू. ठीक है, एंड ये फॉर्मूला अगर आप लोग को लिखना है आप लोग लिख सकते हो, लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप विच वॉज 1000 फॉर अस प्लस फ्रैक्शन विच वॉज 33/49 एंड दिस इज द क्लास विथ विच वॉज 500 फॉर अस. एक बार गो थ्रू करो फिर मैं लीनियर इंटरपोलेशन कराऊंगी आप लोग को. बस अब 10 मिनट्स का और है, ऐसे घर पे बोल दो, मतलब कॉल्स आना स्टार्ट हो गए. हाँ मतलब वही घर से और कहीं से नहीं इतना. ठीक है, आई ट्रस्ट यू. मेरे साथ एक इंसिडेंट बताती हूँ क्या हुआ था. सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, हम लोग का गिरिश पार्क में सेंटर था. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी फेमस किस्सा है, ये मैंने सब क्लास में अपने बताया. तो एक हमारा आई थिंक CS1 का क्लास था. तो एक स्टूडेंट था, वो आता था ऐसे रेगुलरली, उसके फादर उसको बाइक पे ड्रॉप करते थे. एंड वो क्या था ना, हमारा सेंटर जैसे एक रूम था एंड आप गेट खोलोगे तो बाहर, मतलब आप बाहर निकल गए, वैसे एक रूम का ही सेंटर था. तो ऐसे ही आफ्टर एक क्लास में ऐसे निकली क्लास के बाहर, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं, फ़ोन पे बात बात कर लेते हैं. एंड वो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में CS1 का था. वो स्टूडेंट के फादर आए ऐसे दूर में थे थोड़े, बाइक में आया, उतरा, पापा को बाइक किया, पापा उधर गए उसके और वो गया उधर दूसरी तरफ. और मैं खड़ी हूँ, मैं सोच रही हूँ क्लास में आएगा और वो गया दूसरे तरफ. ठीक है, चला गया, बंक किया उसने. फिर नेक्स्ट डे वापस से CS1 का क्लास था तो वो आया. तो मेरी, तुम कल कहाँ गया था, तुम कल क्यों नहीं आया? बोलते कल मैं बीमार था तो मैं घर पे ही था, मुझे बुखार था. तो बोली अच्छा, इसलिए तुम्हारे पापा तुमको यहाँ छोड़ने आए थे, तुम डॉक्टर के गया था ना यहाँ से. वो एकदम डर गया, वो एकदम रेड फेस हो गया कि अब वो क्या बोलेगा कि घर पे तो बोल के आया क्लास जा रहे और यहाँ बोल रहे कि घर पे था. तो ये सब होता है, इट्स वेरी कॉमन. बट क्लासेस मत बंक करना, कॉलेज की क्लासेस बंक कर सकते हो. ये क्लासेस कॉलेज में तो मैंने बहुत बंक मारा है, ऑल दो आई वॉज इन जेवियर्स, पर वो अटेंडेंस हम लोग जुगाड़ लेते थे तो बहुत कुछ किया है. बट अभी मत बंक करना तुम लोग इसका ना. हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन एक्चुअली समझते हैं, ये आप लोग को क्लियर है? अब मैं ना आप लोग को लीनियर इंटरपोलेशन समझा देती हूँ इन 5 मिनट्स. ये आप लोग को पूरे ज़िंदगी काम आएगा क्योंकि लीनियर इंटरपोलेशन इज समथिंग दैट वी कॉमनली यूज़ एवरीवेयर. ये मिटाना पड़ेगा, पूरा नहीं एक्चुअल में, थोड़ा सा मिटाने से भी पूरा ही मिटा देते हैं, बहुत ही गंदा हो गया. तुम लोगों ने कॉपी कर लिया था ना ये? नहीं किया था तो अभी ये बैक हो जाएगा आई गेस. ठीक है, ओके. लेट्स सपोज व्हाट वी वर डूइंग इज, हम लोग बोल रहे थे कि ये आपका यहाँ पे जो बॉक्स है ये वैल्यू है आपका कौन सा था, 1000. ये वैल्यू है आपका 1500. ये कौन सा नंबर था इधर तक, 17 है ना, और ये 66. बीच का मुझे 50th वैल्यू निकालना है. समझ आया? सो लेट्स सी कि इस मेथड से ये हो पाता है कि नहीं. कैन आई गेट दिस वैल्यू? एक्चुअल में अगर हम करें, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये ले लो या आप दूसरा वैल्यू ले लो इधर. टू मेक इट मोर इजी, आप इसको ले लो 0, आप इसको ले लो 49 एंड इसको आप ले लो 33. इज इट द सेम थिंग? मतलब ये जो ग्रुप है आपका मीडियन क्लास है, वो इसमें कितने वैल्यूज हैं, 49 वैल्यूज हैं,
सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 49 वैल्यूज है. आपको कौन सा चाहिए था? 33rd वैल्यू. दैट इज हाउ यू कैलकुलेटेड दिस 33rd वैल्यू. यस या तो अब हम लोग इसको दोनों तरीके से करते हैं. ये एक्स, फाइंडिंग एक्स, फाइंडिंग एक्स तो कैसे निकालते हैं देखो, ध्यान से सुनना, मैं एक बार में लिख रही हूँ, मैं इसे तोड़ तोड़ के फॉर्मूलाज नहीं लिखती हूँ. तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू नहीं होगा 1500 या फिर मेक इट ईजी और x माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1500 माइनस 1000. ये मैंने क्या किया, एक तरीके से मैंने रेशियो लिया है, फ्रैक्शन लिया है. मैंने x माइनस 1000 किया 1500 माइनस 1000, तो ये मैंने इसका फ्रैक्शन निकाला ना इस पोर्शन का. येस और नो, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ दिस आउट ऑफ द टोटल? टोटल इज 500, तो इसका क्या फ्रैक्शन है? दिस नीड्स टू बी इक्वल, दिस फ्रैक्शन, ये वाला जो फ्रैक्शन है नीड्स टू बी इक्वल टू दिस फ्रैक्शन. तो ये वाला फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 17 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर विच इज 66 माइनस 17 विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेइंग 33 माइनस 0 डिवाइड बाय 49 माइनस 0 विच इज अगेन गिविंग यू 33 बाय 49. ऊपर वाला भी आपको 33 बाय 49 ही देगा. अंडरस्टूड? नाउ कैन यू फाइंड योर एक्स? रियल में एक्स नहीं ढूंढना है, इधर का एक्स, वो एक्स नहीं, ये एक्स. एक्स क्या आ रहा है, क्या आया एक्स? हाँ अब तो तुम वैसे ही बोल देगा पहले वाला, कैलकुलेटर से करो. क्या था जो भी, तो बस मैच करो, इज द आंसर सेम? ये क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन, दैट्स इट. अभी नेक्स्ट जब सर आएंगे सिखाएंगे लीनियर इंटरपोलेशन, तुम लोग क्या बोलोगे, वी ऑलरेडी नो दिस, प्लीज स्किप टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाँ इसको कैलकुलेटर में डाल लो और क्या जाता है. ये एक्चुअल में हमने क्या किया देखो, ये जो पूरा है ये राइट साइड चला जाएगा है ना. सो विच इज 33 बाय 49 इंटू 500 प्लस 1000 विच इज एक्चुअली व्हाट आई रोट वहां पे, मीडियन का फॉर्मूला, लोअर क्लास वैल्यू विच इज 1000 प्लस द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द गैप. सेम था बट ये समझाया मैंने लीनियर इंटरपोलेशन होता क्या. लीनियर इंटरपोलेशन का अजम्पशन क्या हुआ, वैल्यूज आर इवनली स्प्रेड इन द ग्रुप. और अगर कोई आपसे पूछे एंड यू नो दीज बेसिक थिंग्स आर एक्चुअली आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज, 4 साल बाद जब इंटरव्यू दोगे ना तो आपसे पूछेगा कि चलो समझाओ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. आप बोलोगे लेट्स सपोज 12 क्लेम्स थे पूरे साल, तो हम लोग बोलेंगे हर एक महीने में एक क्लेम है, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल दो ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है लास्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा आए हो, बट दिस इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, बट आप पढ़ रहे हो आज, आप इंटरव्यू दोगे 4 साल बाद, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग अ बेसिक कॉन्सेप्ट, नो एम्प्लॉयर विल टेक यू इन द कंपनी, ऑब्वियसली राइट. सो यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट. ये क्लियर है? बस इसका क्विकली एडवांटेज डिसएडवांटेज ये लिख लो, बिकॉज दिस इज अगेन नॉट गिवन एनीवेयर. लीनियर इंटरपोलेशन खाली लिख लो, खाली ये वाला चीज मेरे नोट्स में नहीं है, ये लीनियर इंटरपोलेशन कॉपी कर लो खाली. ठीक है नेक्स्ट, बेसिक एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हो जाएगा इसका, मीडियन का, इट इज अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज अगेन. अब अगर वहां पे एक नीचे में क्लास ऐड कर भी दोगे
तो उससे फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत इंक्रीज हो गया आपका एवरेज जैसे हो रहा था, वो केस नहीं है यहाँ पे. मे बी मॉडल जो मीडियम क्लास है वो मे बी चेंज हो जाए, बट ऐसा एक्सट्रीम कुछ चेंज नहीं आएगा आपके डेटा में. अगेन हम लोग यहाँ पे सारे वैल्यू सारे डेटा पॉइंट्स नहीं यूज़ करते, खाली मीन एक ऐसा है जहाँ सारे डेटा पॉइंट्स को ऐड करते हैं डिवाइड करते हैं. तो प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग ऑल द डेटा इन टू विच वी हैव. यहाँ हम लोग सारे डेटा यूज नहीं कर रहे, वी जस्ट यूज दैट मीडियन क्लास 1000 से 1500, उसके ऊपर उसके नीचे से मतलब ही नहीं था. एंड इट कैन नॉट बी अगेन यूज इन एनी फर्दर कैलकुलेशन. यूजली मीडियन इज एज इज, मतलब मीडियन कैलकुलेट हो गया, अब आप उसके बेसिस पे एक दो जो इन्फरेंसेज हैं वो निकाल सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज इट इन एनी फर्दर कैलकुलेशन लाइक वी कैन डू फॉर एवरेज. एक बेसिक चीज़ और पढ़ना है, कल पढ़ेंगे, छोड़ो तुम लोग के दिमाग में नहीं जाएगा. इसके बाद है क्या, समझिए है. ठीक है ओके. जिन्होंने नहीं कॉपी किया था वो कॉपी कर सकते हैं.